गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आई होप सब बच्चों को स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्क्रीन इज शेयरिंग टू ऑल ऑफ यू। इज द स्क्रीन इज शेयरिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। मैम ओके बेटा, टुडे वी स्टार्ट विद द रिसोर्सेस पीपल इज रिवीजन। ऑल्दो वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, बट स्टिल द रिवीजन रिक्वायर्ड। ठीक है, जब हम ये चैप्टर कर रहे हैं पीपल इज रिसोर्स, तो हमारे अंदर एक मन में आना चाहिए कि पीपल इज रिसोर्स कैसे हो सकता है ना। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, तो कंट्री की, किसी भी कंट्री की जो पीपल पावर होती है, मैन पावर होती है, जिसको हम वर्किंग पीपल बोलते हैं, दे आर द दोस पीपल, दोस आर एबल एंड एबिलिटी इन द स्किल्स एंड एबिलिटीज, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। तो अगर हम उसको ह्यूमन रिसोर्सेज बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे अंदर एक ऐसी काबिलियत होनी चाहिए या ऐसी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए जो हम कंट्री को दे सके। तो कैन एनीबडी टेल मी, बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कैन एनीबडी टेल मी कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास क्या एग्जांपल है ह्यूमन रिसोर्स का? कैन एनीबडी टेल मी? अंकित यादव, कैन यू टेल मी बेटा कि हम मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे जानेंगे? अंकित यादव मैम, जो पीपल, द पीपल हु वर्क फॉर द कंट्री आपको पढ़ा रही हूँ, मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट आई एम द रिसोर्स फॉर द कंट्री ना, मैं क्या हूँ? एक रिसोर्स हूँ, है ना। तो आप ये क्यों जवाब नहीं दे रहे मुझको? आपको क्या बताना है कि आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो बेस्ट एग्जांपल आपके सामने क्या है प्रेजेंटली? टीचर। यस टीचर। तो टीचर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो पढ़ लिख कर अपनी प्रोडक्टिविटी आपको दे रहा है। अगर सपोज आई एम टीचिंग, है ना, अगर मैंने एक एजुकेशन ली और अपना एक करियर बनाया और मैं आपको एजुकेशन दे रही हूँ, इट मीन्स आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर योर लाइफ। लाइफ एग्जाम्पल हूँ मैं आपके सामने। Is it clear, बच्चों? Yes, ma'am. किसी बच्चे को डाउट है इसमें? जो किसी बच्चे को है? Okay, कोई डाउट नहीं है आपको। तो अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगर कोई एजुकेटेड पेरेंट है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए? वो क्या करेगा? दृष्टि, कैन यू टेल मी? श्री रावत, व्हाट द पेरेंट विल डू? मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है बेटा कि जो एजुकेटेड पेरेंट होगा, वो एक ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए वो क्या करेगा? एक पेरेंट, एजुकेटेड पेरेंट, मैम अपने बच्चों पे मैम इन्वेस्टमेंट करेगा, उनकी स्टडीज में, उनको एजुकेशन देने में, उनकी ट्रेनिंग और स्किल्स में भी पैसे लगाएगा। और अगर वो पैसे लगा रहा है, अगर वो पैसे लगा रहा है, तो वो क्या होगा? व्हाट विल इट बी? इन्वेस्टमेंट होगा ना? यस मैम। वो इन्वेस्टमेंट किस पे लगा रहा है? मैं अपने बच्चे, अपने बच्चों पे लगा रहा है। और वो बच्चे, अगर उसने वो इन्वेस्टमेंट किया है और उसको उसको सफलता मिलती है, तो इट मींस दैट पर्सन इज फ्रूटफुल इन हिज फ्यूचर, है ना। अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट करके इसका मतलब वो क्या हो रहा है? वो फ्रूटफुल हो रहा है। अब जैसे कि मैं आपको रिवीजन में ये चीज बता रही हूँ, तो आपको ये आंसर्स फ्रीक्वेंटली आने चाहिए बच्चों, और इसको हमें आज के प्रेजेंट सिनेरियो से भी जोड़ना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया कि आई एम अ टीचर एंड माय पेरेंट्स मस्ट आल्सो इन्वेस्ट मनी ऑन मी, ना, तभी तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ बच्चों। तो इट मीन्स आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ऐसे ही आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो इवन कई बार ऐसा होता है कि कई के पेरेंट्स नहीं है, तो उनके मैटरनल साइड से, पैटर्नल साइड से भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने उन बच्चों को आगे अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द व्हाट, दिस इज वन ऑफ द ह्यूमन,
यस ह्यूमन रिसोर्सेज, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? ये आपको क्लियर हो गया? ओके यस मैम। ओके अब हम जो कर रहे हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, है ना, जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है वो दो तरीके से हो सकती है, जिसमें कि वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? वी हैव डन इट, यू हैव टू गिव द प्रेजेंट एग्जांपल। कैन एनीबडी टेल मी? हर्षिता पोखरियाल, हर्षिता पोखरियाल कैन यू टेल मी बेटा? मैम एग्जाम्पल देने? नहीं, आप पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी बताओ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन यू गिव द एग्जाम्पल। प्रेजेंट एग्जाम्पल देना मुझको मैम। द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटी? नो नो, आई एम नॉट आस्किंग नॉट मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी बेटा, मैं यहाँ पूछ रही हूँ आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। कैन एनीबॉडी एल्स? आयुष कैन यू टेल मी? आयुष चौहान, आयुष यू लिसनिंग टू मी ना? यू आर द You are in online class. Can you tell me? Okay, Ankit Yadav, can you tell me better? Ankit Yadav? Yes, ma'am. The activities which are done by the people. Answer smartly, है ना? हाँ बोलो बेटा. Economic activity, the activity which are done by the people for their income. Yes. And non-economic activity which are done by do not give any income in return. In which activity? Okay, give the example of economic activity. Can you give the example of economic activity? Example, doctors, businessmen, lawyers, shopkeepers. Yes. What the? अच्छा, how the farmers is? Farmer को कैसे economic activity हो रही farmer की, किसान की? It sell it. It sell it crop. His crop. हाँ. वो क्या करेगा, सबसे पहले तो अपनी फसल को ग्रो करेगा ना बेटा। यस मैम। इन्वेस्टमेंट करेगा और जब उसकी प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, तब उसको वो सेल करेगा ना। तो जो उसको सेल होगा उसका जो बेचा हुआ हिस्सा होगा उसका रिटर्न होगा, तो दैट इज वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अनदर एग्जाम्पल कैन यू गिव एनीबॉडी एल्स? दीपाक्षी कैन यू गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? दीपाक्षी? यस मैम। हाँ बेटा गिव मी। तो क्या कैसे एग्जांपल दो? ओके अच्छा मुझे बताओ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोशल वर्क प्रोवाइड हेल्प टू पुअर पीपल। यस सोशल वर्कर दोज हु वर्क फॉर द पुअर पीपल एंड आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिटर्न, यानी कि उनको कुछ मतलब नहीं है, उनको कोई पैसा नहीं कमाना, उसमें कोई मॉनिटरी गेन नहीं करना है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। अच्छा देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो आपके घर में आपकी मदर है ना, आपकी मदर काम करती है, आपके लिए काम करती है, आपके रोटी बना रही है, झाड़ू पोछा भी कई बार करती है, बर्तन भी करती है, तो वो क्या आपसे पैसा ले रही है या आपके पापा से पैसा ले रही है उस चीज का, ये बताओ मुझे? नो मैम। नो मैम है ना, तो इफ शी इज नॉट टेकिंग एनी मनी फॉर हर वर्क इट मीन्स दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सीधे सीधे सिंपल सा फंडा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जहाँ पैसा मिल रहा है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जहाँ पैसा नहीं मिल रहा है। इज इट क्लियर? नो रिटर्न इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी देयर इज रिटर्न, मॉनिटरी रिटर्न, मॉनिटरी रिटर्न में पैसा मिल रहा है और उससे वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, देयर नीड्स अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। एक किसान खेत में काम क्यों करता है? कैन यू टेल मी? एक किसान खेत में काम क्यों करता है बेटा? मैम फॉर अर्निंग मनी, टू अर्न द मनी, राइट। व्हाई द डॉक्टर इज वर्किंग, व्हाई द डॉक्टर्स, हो सकता है कि कई डॉक्टर सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो अगर वो उनका पेशा है वो, है ना, तो व्हाट दे गेट, व्हाट दे गेट द रिटर्न। Suppose I am a teacher, beta. I am getting salary for this also, है ना? तो मैं पढ़ा भी रही हूँ, I am getting salary for. तो जिसको भी पर मंथ अपना रिटर्न मिलता है, monetary fund रिटर्न मिलता है, that is called economic activities. And non-economic activities कौन सी हो जाएंगी? जिसमें कि किसी को भी कोई भी monetary gain नहीं होता है. जिसका example हमने लिया social worker, जिसका example लिया हमने housewife, है ना?
So here we can see the difference between the economic activities and non-economic activities. सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस आता है उनके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है. दीज ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू वेल्थ एंड मनी. फॉर एग्जांपल अ टीचर टीचिंग इन अ क्लास, है ना, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया जो कि उसकी मनी से रिलेटेड है, ठीक है. और सेकेंड में जो अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पे इट इज नॉट कंसर्न विद मनी एट ऑल, नॉट एट ऑल. आपकी जो मदर है आपके लिए बिना उसके जो है काम कर रही है, बिना रिटर्न के, बिना उसके, है ना, कि उसके लिए वो कोई पैसा नहीं दे रही है, ठीक है. देन टाइप्स में अगर हम देखते हैं तो दीज आर डिवाइडेड टू प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज. तो सबसे पहले अगर हम देखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो डिवाइड हो जाती है प्रोडक्शन में, कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना कंजम्पशन, कितना कंज्यूम किया और कितना डिस्ट्रीब्यूट किया और कितना एक्सचेंज किया. ये तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मर है, ठीक है, वो जो फार्मर है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसने जितना प्रोड्यूस किया उतना उतना उसको कितना कंज्यूम किया, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया और कितना एक्सचेंज किया. एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहा है वो, सो दैट ही कैन गेट द मनी इन रिटर्न. जो उसने पैसा लगाया है उसका उससे क्या मिल जाए, उसका उसको पैसा मिल जाए, राइट बेटा. जबकि अगर हम इधर देखें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो सोचते ही नहीं है. तो जब वो सोचते नहीं है तो इट कैन बी डिवाइडेड सोशली भी हो सकता है, पॉलिटिकली भी हो सकता है, रिलीजियसली भी हो सकता है, चैरिटेबल भी हो सकता है, पैरेंटल भी हो सकता है और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी हो सकती है. तो व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कैन यू एंटरटेन मी. आपको आपने अगर वर्ड नहीं सुना है तो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, मनोरंजन की कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है जो लोग उसमें पैसा लगाते हैं और उसमें कोई भी रिटर्न नहीं ले रहा. इज इट क्लियर? किसी बच्चे को डाउट है यू कैन आस्क मी. कैन एनीबॉडी? हाँ बेटा, किसका बेटा? मैम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. हाँ नहीं, वही बता रही हूँ. रिक्रिएशनल एक्टिविटी का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोगों के मनोरंजन के लिए अपनी तरफ से कुछ एक्टिविटियां करवा देते हैं, जैसे कि नाट्य मंच हो गया, है ना, मंचन कला हो गया, या कविताओं का कोई मंच रख दिया, तो जिससे लोगों को मनोरंजन हो और उसमें वो कोई भी पैसा नहीं ले, चैरिटी पे दे रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन की गतिविधियां. इज इट क्लियर? यस मैम. ओके बेटा, अब हम देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है. तो जो अगर हम देखें इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती है ना, दीज एक्टिविटीज टेक प्लेस आइदर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. या तो एम्प्लॉयरों को जो पैसा अपने एम्प्लॉय को देता है ये एम्प्लॉय के बीच में होता है, या प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में होगा. ये जो एक्टिविटीज लेती है यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो या तो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज के बीच में होती है, ये प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के बीच में होती है, ये प्रोफेशनल और क्लाइंट के बीच में होती है. मैं इसका अलग अलग एग्जांपल आपको समझाती हूँ बच्चों, ठीक है. सबसे पहले एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का मतलब होता है जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को जॉब देगा, ठीक है, और उसमें एम्प्लॉयर उस जब एम्प्लॉय को जॉब दे रहा है तो उसका उसको क्या मिलेगा, उसका उसको रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना, तो वो काम कर रहा है एम्प्लॉय के लिए. सिमिलरली जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे किसान है, उसने प्रोड्यूस किया और हमने कंज्यूम किया, हम कंज्यूमर हो गए. हम कौन हो गए? कंज्यूमर हो गए. यानी कि अगर प्रोड्यूसर ने, किसान ने गेहूं उगाया है तो उसको कंज्यूम तो हम कर रहे हैं ना. तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. प्रोड्यूसर ने उसमें पैसा लगा के प्रोड्यूस किया, वो बेच रहा है, कंज्यूमर उसको खरीद रहा है, ठीक है. सिमिलरली प्रोफेशनल एंड क्लाइंट. प्रोफेशनल वी कैन से हियर द लॉयर और उसका अपना एक क्लाइंट है, तो उनके बीच में आपस में एक रिलेशन है. प्रोफेशनल उसके लिए क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, उस क्लाइंट के लिए क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है. दिस इज व्हाट अ रिलेशन बिटवीन द प्रोफेशनल एंड द क्लाइंट. क्लियर हो गया बेटा? इज देयर एनी डाउट बेटा? You can ask me. No, ma'am. Okay, बेटा. ऐसे ही जो उसमें देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तो जनरली अपने परिवारों के बीच में होती है, ये सोशल वर्कर्स के बीच में होती है, एंड दोज हु आर बीइंग सर्व्ड बाय देम, और याद उनके द्वारा जिनकी जिनको सर्व किया जाता है, ठीक है. तो ये स्कोप हो गया. जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न में उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, जिन्होंने पैसा लगाया है टू अर्न द मनी, मेन मकसद हो गया उनका कि उनको क्या अर्न करना है, उनको मनी अर्न करना है,
ठीक है ना, देन दीज आर डन टू गेट मेंटल. और जो दूसरे वाले हैं यानी कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले जो मेंबर्स हैं, एग्जांपल क्या दिया था हमने बच्चों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल क्या था, आयुष हाँ बेटा दृष्टि बोलो, हाउसवाइफ, यस हाउसवाइफ, पूजा, मदर टेकिंग केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, यस यस वेरी गुड अंकित. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये काम कर रहे हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. इज इट क्लियर? अच्छा अब बात करते हैं बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटीज की. तो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं और आपको मैंने ये बताया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सेक्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय नेचर है वो तीन सेक्टर्स में डिवाइड है. इज इट क्लियर? हम पढ़ चुके तो कैन एनीबडी टेल मी द नेम ऑफ थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर. यस वेरी गुड समीक्षा. वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर. ठीक है, इन तीनों के अलग अलग नाम भी हैं. जैसे कि आपका जो प्राथमिक क्षेत्र का है यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जो सेकेंड नेम है दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट. जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर. और जो टेरिटरी सेक्टर है दैट इज थर्ड सेक्टर, उसका दूसरा नाम क्या, सर्विस सेक्टर. तो जितने भी लोग मैंने अभी आपको बताए जैसे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम करने वाले लोग हैं वो उन तीनों क्षेत्रों को में अलग अलग दृष्टि से काम कर रहे हैं. तो जब बच्चों हम इस सोशल साइंस के चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें उनको लैंग्वेज लेना है यानी कि हमें आज के प्रेजेंट सिनेरियो से भी उसको जोड़ना है. हम आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न होगा. जैसे कि हमने प्राथमिक क्षेत्र को लिया तो आपके दिमाग में हमेशा ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो प्राइमरी क्षेत्र से जुड़ा होगा, दृष्टि नेचर से काम कर रहा है, वो व्यक्ति जो डायरेक्टली पानी में काम कर रहा है वो क्या हो गया, वो प्राइमरी सेक्टर का व्यक्ति हो गया. ठीक है, यानी कि वो अपनी जीविका अपना रोजगार प्राइमरी सेक्टर से निकाल रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से निकाल रहा है. Is it clear? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? You can ask me, बेटा. Anybody? किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो you can ask me. मैंने एक बार दोबारा बता दो. हाँ बेटा बताती हूँ. मैंने आपको ये बोला कि जो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि पैसा कमाना है ना. तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के अनुसार हमारी जो कंट्री बच्चों वो तीन सेक्टर्स में डिवाइड है. वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्टियरी सेक्टर. ठीक है, इन सेक्टर्स में काम करने वाले जो भी लोग हैं वो अपनी अपनी जीविका कमाते हैं. तो सबसे पहले हमने लिया किसको, सबसे पहले हमने लिया प्राइमरी सेक्टर को. तो जब हम प्राइमरी सेक्टर को ले रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें एग्रीकल्चर, इसमें फॉरेस्ट्री, इसमें एनिमल हस्बेंड्री, इसमें फिशिंग, इसमें पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग, इन एरियाज में जो लोग काम करते हैं अपनी जो जीविका कमाते हैं उस वो अपनी जीविका कमा रहे हैं सीधा डायरेक्ट लैंड और नेचर से में काम करके. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों. यस मैम. अब मैं दीपाक्षी से सुनना चाहूंगी बेटा कि प्राइमरी सेक्टर क्या है. मैम प्राइमरी सेक्टर मैम जिसमें मैम यस शाबाश मैम एग्रीकल्चर मैम जैसे मैम हम कच्चा माल जिसमें बनाया जाता है मैम जैसे फार्मर फार्म करते हैं तो मैम उनका माल रहता है मैम सेकेंडरी में जाता है. एक मिनट शायद आयुष चौहान अपना हाथ खड़ा कर रहा है. यस आयुष यू कैन टेल मी मैम दीस आर रिलेटेड टू लैंड एंड नेचर. यस आल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर. यस
वेरी गुड, यानी कि ऐसा सेक्टर जो कि लैंड और नेचर से रिलेटेड होता है और जिसमें जो लोग हैं वो इन एरिया से अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं, है ना, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, माइनिंग है, राइट? देन कैन एनीबडी टेल मी अबाउट द सेकंड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर? यस मैम. क्या सेकेंडरी सेक्टर आलिया बेस्ट? सेकेंडरी सेक्टर डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. यस, सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, जहां पर क्या होता है, जहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, यस, प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर. इस नोन एज सेकेंडरी सेक्टर, ये तो हम सबको पता चल गया. तो यानी कि इन फैक्ट्रियों में, इन कारखानों में काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी अपनी जीविका का रिटर्न मिलता है, ठीक है. देन सेकेंड, देन द थर्ड सेक्टर इज द टेरिटरी सेक्टर. ये वो सेक्टर है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है. विच प्रोवाइड्स द गुड्स एंड सर्विसेज टू होम? किसको प्रोवाइड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज? प्राइमरी एंड सेकेंडरी. यस, वेरी गुड. प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. एग्जांपल्स हैं ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन है, देन कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिज्म है, सर्विसेज है, इंश्योरेंस है. ऑल दिस इंक्लूड इन द टेरिटरी सेक्टर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं बेटा, चाहे ट्रेड हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, टूरिज्म हो, इंश्योरेंस हो, इन सब पे लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, अपनी जीविका कमा रहे हैं. और उनको कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है? उनको उसका कुछ कुछ क्या मिल रहा है? उसको रिटर्न मिल रहा है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस. किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं. ठीक है, अब हमने अभी जो बोल रहे थे, किसी बच्चे ने बोला भी था कि मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज ये क्या होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज एंड दोज एक्टिविटीज इन इनकम इज गॉट इन रिटर्न, है ना. तो मार्केट एक्टिविटीज रहती है उसमें की इनकम उनका रिटर्न हो रहा है, वो वहां पे भी कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट भी हो रहा है. दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड आल्सो इंक्लूड द गवर्नमेंट. तो मार्केट एक्टिविटीज कौन से होंगी जिसमें कि वो काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन है, वो पेमेंट भी कर रहे हैं, उनको उसमें प्रॉफिट भी हो रहा है. तो दैट इज कॉल्ड अ मार्केट एक्टिविटीज एंड दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड द गवर्नमेंट सर्विसेज. तो वो किसमें आ जाएगी बच्चों? मार्केट एक्टिविटीज में. किसमें आ जाएगी? मार्केट एक्टिविटीज. इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज की. नॉन मार्केट एक्टिविटीज प्रोडक्शन को सेल्फ कम, जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान है, ठीक है, एक किसान है, वो अपने खेत में गेहूं उगाता है, वो उतना ही गेहूं कमाता है जो उसके किसमें हो जाएगा, वो खुद सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है, वो बेच नहीं रहा है उसको बच्चों, तो यानी कि मार्केट में नहीं बेच रहा है उसको, है ना. और जनरली ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स होंगे. जनरली क्या होते हैं? वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में नहीं बिकते हैं और वो खुद सेल्फ कंजम्पशन करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉन मार्केट एक्टिविटीज हो रही है, सेल्फ कंजम्पशन हो रहा है. मार्केट एक्टिविटी में क्या हो रहा है? पे एंड प्रॉफिट, यानी कि वो पे भी कर रहा है और उसका प्रॉफिट भी कमा रहा है, वो उसमें पैसा लगा रहा है. सर्विस क्लास भी उसमें हो सकती है एंड द पर्सन दोज आर वर्किंग इन ट्रेड इज ऑल्सो. किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा, तभी हम आगे बढ़ेंगे. Is there any doubt? Is there any doubt? आलिया क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया मैम. हाँ बेटा, इसका एग्जांपल फार्मर्स भी हो सकते हैं. किसमें बेटा? मैम कि फार्मर्स मतलब उगाते हैं फसल, फिर मैम वो बेटा मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया ना तुम्हें, वर्ड क्या आया? सेल्फ कंजम्पशन. तो सेल्फ कंजम्पशन का मतलब कि वो व्यक्ति जो केवल अपने लिए कमा रहा है ना, जैसे कि उसने वो उसका उसका प्रॉफिट नहीं ले रहा है, मार्केट में नहीं बेच रहा ना उसको. क्लियर दीपाक्षी?
फार्मेसी मार्केट में भेज देंगे ना। आपकी मुझे वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ बेटा कि हमने नॉन इकोनॉमिक मार्केट एक्टिविटी का एक एग्जांपल लिया और मैंने आपको एक जनरल बताया कि एक फार्मर जो जो उगा रहा है केवल अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसको वो मार्केट में सेल नहीं कर रहा है, तो ज्यादातर जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये वाला एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आएगा। हम सेकेंडरी सेक्टर को नॉन मार्केट एक्टिविटीज में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वहां से मशीन मेड गुड्स प्रोसेस हो रहा है ना, अंतिम फाइनल गुड से कन्वर्ट हो रहा है और वो फाइनल गुड जाके कहीं ना कहीं तो बिकेगा ना अगर फैक्ट्री लगाई पे बेटा। तो नॉन मार्केट एक्टिविटी ज्यादातर प्राइमरी प्रोडक्ट्स आएंगे। क्लियर दीपाक्षी? यस मैम। ओके बेटा, अब हमारी कंट्री में, हालांकि बच्चों आपको पता है कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी होती है। तो हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि इक्वल राइट्स टू इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस टू इक्वल वर्क, है ना। लेकिन कहीं कहीं पर हमारी सोसाइटी में देयर इज डिविजन ऑफ वर्क बिटवीन मेन एंड वुमेन, है ना। तो ये जो डिविजन है वो कुछ रीजन बेस्ड है कि क्यों ये डिविजन हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है इसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में। ऐसा क्यों है? ड्यू टू सम हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिविजन लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। यानी कि कुछ कल्चरल रीजंस के कारण, कुछ हिस्टोरिकल पुराने से बना हुआ है परंपरा वाली है कि जो महिलाएं हैं भैया उन्हें तो चार दीवारों में रह गए। अगर आज आपके उसमें हो सकता है कि आपकी जो दादी है वो तो थोड़ी यंग ही होंगे, जो पुरानी आपकी जो दादी यानी कि परदादी भी हो सकती है, अगर आप उनसे विचार सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ देयर वॉज अ हिस्टोरिकल रीजन, है ना, कल्चरल रीजन था कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम समझा जाता था समाज में, उनको चार कई बार तो चार दीवारियों में लाया जाता था, जाकर वो घरेलू काम करते थे, है ना। और जो महिला क्या क्या परंपरा थी, परंपरा तो यही थी ना कि जो महिलाएं वो तो डोमेस्टिक वर्क करेंगी और जो पुरुष है वो फील्ड में जाया करेंगे, और जो महिलाएं घर में काम कर रही उनको पे नहीं मिलती थी ना, और जो जो पुरुष हैं जो बाहर जाते थे उनको किसके लाना है, उनको वेजेस अर्न करना है, अपने परिवार को पालना है। महिलाएं घर का काम करेंगी और जो पुरुष हैं वो क्या करेंगे, बाहर जाकर अर्न करेंगे। तो यहीं से हमारा क्या दिखाई दे रहा है, हमें हिस्टोरिकल डिफरेंस दिखाई दे रहा है बेटा, कल्चरल डिफरेंस दिखाई दे रहा है। व्हाट इज अ कल्चरल हिस्टोरिकल डिफरेंस दृष्टि, कैन यू टेल मी दृष्टि, क्या क्या डिफरेंस आया है? मैम पहले के लोग सोचते थे कि मैम वुमेन्स को घर का काम ही करना चाहिए ज्यादातर। और मैम आज के उस मैम वुमेन्स कैन डू एनी वर्क। यस, आज के डेट में सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली और कल्चरल डिफरेंस देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि वो डिफरेंस था, ठीक है ना। एंड वुमेन गेट पेड फॉर देयर वर्क ओनली दे एंटर इन द लेबर, जब जैसे ही लेकिन महिलाएं जो थी वो लेबर मार्केट में आने लगी तो महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है। अर्निंग ऑफ वुमेन इज डिटरमाइंड ऑन द बेस ऑफ स्किल एंड एजुकेशन, उनका जैसा स्किल होता था या जैसे उनकी एजुकेशन रहती थी उनके अनुसार उनको काम दिया जाता था, ठीक है। तो एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमिनेंट्स। अगर सपोज पुरुष ज्यादा पढ़ा लिखा है और उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो नेचुरल है कि उसको ज्यादा पेमेंट दिया जाएगा, है ना। और महिलाओं को कम पेमेंट क्यों दिया जाता था, कि भाई इनका लेस एजुकेशन है और उनको जो है लो स्किल फॉर्मेशन है और उसको उनको जो है पेड देवर पेड एज कम्पेयर टू द मैन। अच्छा, अभी हम वही तो कर रहे थे ना कि जो वुमेन्स थी उनको किस में लिया जाता, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लिया जाता। व्हाई इट वाज सो, अब इससे पहले हमने पढ़ा ना कि जो महिलाएं थी या जो थी या वुमेन्स जो थी वो उनको नॉन एक्टिविटी, आपने अभी अभी अपने आप किसी बच्चे ने बोला कि भाई हमारे घर में जो मम्मी है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? जो हाउस होल्ड वर्क करते हैं। यस वेरी गुड, क्योंकि वो हाउस होल्ड वर्क कर रही है और उनको उसका कुछ भी क्या नहीं मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है ना। तो इसका, और अगर महिलाएं बाहर गई फील्ड में गई तो उनको लेस वेजेस क्यों मिले बच्चों, क्योंकि उनकी एजुकेशन कम थी, क्योंकि उनके स्किल कम था पुरुषों की तुलना में, इसलिए उनको लेस पेमेंट दिया जाता है। और हमारी सोसाइटी कह रही है, हमारे हिस्टोरिकल रीजंस कह रहे हैं, व्हाट आर द हमारे हिस्टोरिकल रीजंस क्या है हमारे, मैम की वुमेन्स को घर का काम करना चाहिए। नो डिस्ट्रिक्ट, नो डिस्ट्रिक्ट के अलावा कोई और बच्चा बताओ मुझे,
डिस्ट्रिक्ट के अलावा काम करना है। हाँ दीपाक्षी, दीपाक्षी तुम्हारा कनेक्टिविटी कम हो रही है बेटा, इसलिए आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अंकित यादव बेटा, कैन यू टेल मी क्लियरली? अंकित यादव, यस मैम। मैम, व्हाट आर द हिस्टोरिक एंड कल्चरल रीजन बिहाइंड द वुमेन्स डिस्क्रिमिनेशन? दैट वुमेन कैन ओनली डू द डोमेस्टिक वर्क एट होम एंड मैन डू आउटसाइड वर्क। यस वेरी गुड, जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक वर्क यानी कि घरेलू काम करेंगी और जो पुरुष हैं वो बाहर जाकर काम करेंगे ताकि वो परिवार का लालन पोषण कर सके। ऐसा क्यों है? ऐसा हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहती है, ऐसा हमारा कल्चरल रीजन कहते हैं। दैट इज वाई देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड द वुमेन। ये तो आपने बता दिया हिस्टोरिकल और कल्चरल। दूसरा चीज कोई और बता सकते हैं हमें? मुझे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, स्किल पॉइंट से भी हम दूसरा रीजन दे सकते हैं। वो दूसरा रीजन क्या होगा? मैम की वुमेन कम एजुकेटेड थी मैम, इसलिए उनको कम वेजेस मिलते थे। यस, वुमेन्स वर लेस एजुकेटेड, दे पे इज वेरी लेस एज कंपेयर टू मेन, है ना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी मैंने जब ये आपके संग ये टॉपिक डिस्कस किया तो मैंने एक बात बोली आपको, और वो बात क्या थी कि हमारा जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, सिविक्स में आप पढ़ेंगे आगे, तो ये कहती है, ये होती क्या एक्चुअली, ये होती है दीज आर द गाइडलाइंस गिवन टू द गवर्नमेंट टू रूल अकॉर्डिंग टू दैट। तो इसमें क्या कहा गया है? इक्वल वेजेस टू इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस टू इक्वल वर्क। तो यानी कि उस डिस्क्रिमिनेशन को जो मैन एंड वुमेन के बीच में है उसको कम करने की कोशिश की गई है by our government. Is it clear? Is it clear? Yes. Say yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना? हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। तो किसी भी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज या पीपल इज, क्योंकि टॉपिक ही हमारे चैप्टर का नाम क्या है? What is the name of the chapter? तो हम क्या पाते हैं कि उसमें एजुकेशन, हेल्थ एंड टैलेंट। जिस भी कंट्री में एजुकेशन होगी, जिस भी कंट्री में हेल्थ होगी, जिस भी कंट्री में टैलेंट होगा, उस कंट्री की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत अच्छी होगी बच्चों, है ना? Can anybody tell me the state having the highest literacy in the country? Ma'am, Kerala. Good answer. Kerala is the highest literacy rate. Which is the lowest? Ma'am, Bihar. Ma'am, Bihar. Bihar is having the lowest indicator of the quality of population. Is it clear? मतलब जब हम social science को पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एकदम हमारी चारों तरफ जो घूम रहा है वो क्या चीज है? आप जब घर से बाहर निकले होंगे आज सुबह, तो आपने देखा होगा कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। आपने घर में देखा कि हमारे पेरेंट्स बैंक जा रहे हैं या किसी ऑफिस में जा रहे हैं, तो यहीं पे आप देख रहे हो कि डिफरेंस आ गया ना, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस आ गया। वो मजदूर काम क्यों कर रहा है बेचारा? व्हाई ही इज वर्किंग? वो क्यों नहीं बैंक में जा रहा है? मैम क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उसके पास स्किल और ट्रेनिंग नहीं है। वेरी गुड दृष्टि, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उसके पास स्किल और ट्रेनिंग नहीं है। व्हाई द व्हाई योर फादर इज गोइंग टू ऑफिस? Because he is educated. Yes, he is educated. है ना? तो किसी भी कंट्री की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन उसकी लिटरेसी रेट से, उसकी हेल्थ से और उसके स्किल फॉर्मेशन से पता चलती है। ठीक है, अब हेल्थ कैसे पता चल रही है किसी कंट्री की? जैसा कि मैंने आपको बताया है, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा क्या होती है आपकी कंट्री में? कितना परसेंट है कि हम इतने तक मैम लोग जी रहे हैं? हाँ, तो हमारी कंट्री का मैंने आपको पहले भी बताया था कितना है एवरेज, 65, है ना? 65 लाख एक्सपेंसेस को लेके चलते हैं। तो जिस कंट्री में अच्छे लोग हैं यानी कि हेल्दी पीपल हैं, तो वो कंट्री के लिए अच्छा काम करेंगे। हेल्दी पीपल आर स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, देन एजुकेटेड पर्सन आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अच्छा, अगर क्या होगा अगर कंट्री में इलिटरेट और अनहेल्दी पॉपुलेशन है तो क्या होगा? पीपल आर नॉट डूइंग वर्क प्रॉपर्ली। और देयर इज नो डेवलपमेंट इन कंट्री। यस, देयर विल बी नो डेवलपमेंट इन द कंट्री अगर लोग अनपढ़ होंगे, अनहेल्दी होंगे।
और जिस कंट्री में अगर लिटरेट लोग हैं, हेल्दी पॉपुलेशन, तब कंट्री का क्या हाल क्या होगा, तब कंट्री में क्या होगा, तब क्या होगा, दे आर द एसेट ऑफ द कंट्री, वो संपत्ति है देश के लिए. बच्चों अगर आप लोग देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पेरेंट्स आप पे पैसा लगा रहे हैं फॉर योर एजुकेशन, ठीक है. आफ्टर गेटिंग द एजुकेशन यू विल गेट सब ट्रेनिंग, किसी फील्ड में जाओगे आप लोग, और जब आप एक अच्छा अर्न करोगे तो इट मीन्स आप देश के लिए, क्योंकि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा तो नेशनल इनकम में जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यू आर द एसेट ऑफ द कंट्री. अपने पर लागू करके देखो इसको, अपने पेरेंट्स पे लागू करके देखो. आपके पेरेंट्स अगर एजुकेटेड हैं, आपके पेरेंट्स अगर हेल्दी हैं, तो दे आर द एसेट फॉर द कंट्री बेटा, ठीक है. इज इट क्लियर? इफ आई एम टीचिंग सोशल साइंस टू यू, आई एम द एसेट फॉर यू पीपल, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर द कंट्री ऑल्सो बेटा. इज इट क्लियर? यस मैम. यस मैम. एसेट होगा, व्हाट इज एसेट, संपत्ति क्या है, कौन होगा संपत्ति यहाँ पे, एसेट कौन होंगे, हम लोगों की बात करें. Yes. 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 Educated and healthy population of the country are the asset for the country. They are the asset for the country. ठीक है? Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, हमारी जो government है, उसने एक कानून बनाया है, that is elementary education. What is that elementary education made by our government? Then the student age of 6 to 14 have necessary to study. Yes, they are necessary to it. And हमारी country में literacy rate के लिए literate person कौन होगा? People who can read and write book at age of 7. Yes, Ayush, very good. The person who is able to read and write at the age of 7 and above is known as literate in our country. तो हमारी जो कंट्री है उसने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीज स्टेप उठाए, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स उठाए. तो आपने, किसी बच्चे ने मिड डे मील के बारे में सुना हुआ है, स्कूलों में मिड डे मील, किसी बच्चे ने सुना हुआ है इस बारे में? यस मैम. यस मैम. हाँ, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है बेटा मिड डे मील? मैम, इसमें मैम स्टूडेंट्स को रिसेस टाइम पे मील दिया जाता है, हेल्दी फूड. हेल्दी फूड क्या हेल्दी फूड होगा मैम? दही, चावल. मैम मिल्क. एनीबॉडी एल्स? आलिया बेस्ट. जो बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है, कल मैंने बताया था ना बच्चों आपको, दाल, दलिया, सत्तू. वेरी गुड. दाल, दलिया, सत्तू, है ना, इस तरह की चीजें उन लोगों को. ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मैं बताती हूँ, पहले सुन लो मुझे. क्योंकि हमारे स्कूल्स में, हमारे केवी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेट स्कूल्स में बच्चों, जहाँ पे बच्चों का एनरोलमेंट बहुत कम है, तो नेट अटेंडेंस रेशियो बहुत कम है. तो उस नेट अटेंडेंस रेशियो को इंक्रीज करने के लिए बच्चों को स्कूलों में बुलाया जाता है, उनको एनकरेज किया जाता है कि फूड देके, न्यूट्रिशन स्टेटस देके, ताकि बच्चे स्कूल आए. क्योंकि वो इतने गरीब परिवार से, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, क्योंकि वो घर से ही क्या है, पॉवर्टी लाइन में, बिलो पॉवर्टी लाइन में, पेरेंट्स अनएजुकेटेड है. तो ऐसे बच्चों को एनकरेज करने के लिए स्कूल में क्या दिया जाता है, स्कूल में क्या दिया जाता है बच्चों? और उस मिड डे मील ने ऐसे चीज दिया था ताकि उनका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े. आपको पता न्यूट्रिशन वैल्यू का मतलब क्या है, यानी कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो, हेल्दी फूड, है ना. बच्चे अगर हेल्दी फूड खाएंगे तभी तो वो क्या बनेंगे, एसेट बनेंगे. ये जरूरी थोड़ा कि हर के जो पढ़े लिखे पेरेंट्स है उन्हीं के बच्चे जो है वो कंट्री के लिए एसेट बने. नो, ये तो हर किसी का हक है ना. तो गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव this kind of policy to the all the children, those who are unable to get good food in their home. जिनको अपने घरों में अच्छा खाना नहीं मिल पाता है बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश करती है, राज्य सरकार में ये किया गया है कि बच्चों को अच्छा फूड मिले ताकि वो स्कूल आए. और अच्छे उन बच्चों में से ऐसा होंगे जो कंट्री के लिए एसेट बनेंगे. और पूरी की पूरी कंट्री में हमारे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है,
सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या है? मैम प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप 6 टू 14 इयर्स। यस, जो चिल्ड्रन हैं जो 6 टू 14 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाए ताकि लिटरेसी रेट को बढ़ाया जा सके, है ना। और हमारा कौन सा स्टेट है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? केरला। केरला परसेंट है कितना परसेंट है बेटा? मैम 94। Yes, 94. Actually, it is 93.9, तो उसको राउंड ऑफ करके 94 करा हुआ है। तो बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं केरल में, है ना। तो अब देखो क्या हो गया, गवर्नमेंट क्या कर रही है। दूसरा जो एम है गवर्नमेंट का, जो इंक्रीज एनरोलमेंट हायर एजुकेशन ऑल्सो, तो जो 18 से 23 साल के जो ईयर ग्रुप है उनमें भी एजुकेशन को बढ़ाया जाए, हायर एजुकेशन को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। IT education institutions जो है वो खोले जाएं, so that the more education can be given to the students. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. What is the role of education to bring assets to the country? Can anybody tell me this? Education क्या role play करती है? उसमें parents का क्या हाथ है? और teacher का क्या हाथ है? Can anybody? Chalo, parents education देते हैं। कक्षी बेटा तुम्हारी ना वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही मुझको। What is the role of parent? चलो आपको मान लेते घर में से शुरू करते हैं आपके। What is the role of parent in bringing up the asset to the country? Mam, they invest in our education money. Okay. इन्वेस्टमेंट केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं और भी चीजें करते होंगे ना पेरेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट किस रूप में करते हैं? चलिए बताओ। फीस ऑफ आवर स्कूल। ओके मैम, कीपिंग अस हेल्दी। ओके, तो यानी कि वो अपने बच्चों का शिक्षा में तो ध्यान देते ही हैं बल्कि हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं, है ना। तभी तो वो आपको हमने शुरू में चैप्टर पढ़ा कि पीपल ऐसे रिसोर्स कब होगा, जब वो एजुकेटेड होगा, जब वो हेल्दी होगा, जब वो टैलेंटेड होगा, तभी तो वो एसेट बन सकता है। तो पेरेंट्स क्या चाहेंगे? पेरेंट्स हर घर, इवन गरीब पेरेंट भी चाहता है कि हमारे बच्चे क्या रहें, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वो आगे जाकर अच्छा देश का अच्छा नागरिक भी बने, है ना। तभी तो हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हमारे पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं, इवन टीचर्स ऑल्सो लाइक मी ऑल्सो, इफ आई एम टीचिंग यू व्हाट आई वांट, कि मेरे मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छे जाएं, दे मस्ट बी इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, वो कुछ बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी जाए, है ना। तो ये रोल होता है, वो ये रोल है सोसाइटी में पेरेंट्स का, टीचर्स का, आपके ये बहुत बड़ा रोल है इन मेकिंग द पीपल एज रिसोर्स। इज इट क्लियर? यस। तो आई होप यू बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। और इसको हमें डे टू डे एक्टिविटी से जोड़ना होता है, ये नहीं कि हमें सिर्फ रटना है, इसको चैप्टर को हमें रटना नहीं है बेटा, हमें चैप्टर को क्या करना है, हमें डे टू डे इसको समझना है। Only then we can rise up, we can go to that upper level. यानी कि अगर आपको अच्छे मार्क एसएसटी में चाहिए तो आप ऐसे ही उसको रट के नहीं करेंगे, उस चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। हर चैप्टर में आपको बोलती हूँ, इवन हिस्ट्री ऑल्सो, इवन पॉलिटिकल ऑल्सो, है ना। मैं आपको क्या बताया कि आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है बच्चों, आपको रटना नहीं हिस्ट्री को भी, समझना है। Yes, उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। Only then you will be able to do social sciences. ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, हमारी यहाँ क्लास कंप्लीट होती है आज की क्लास। आई होप आप सब बच्चों को समझ में आया होगा। यस मैम।